आजिरो कालांसरे समस्तंकु स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणीर इतिहास बहीर भारतर भौगोलिक अवस्था सह इतिहास संपर्क कौन यह विषय जानिबा। प्रथमे एही मानचित्र को देखिबा, एहा होची पृथ्वीर मानचित्र। एही मानचित्र मध्य दे गोटे लाल रंगर रेखा टणा जाइछि, एहाकु विषुव रेखा कहुजाए। एही विषुव रेखार उत्तर रे उत्तर गोलार्ध, दक्षिण को दक्षिण गोलार्ध कहुजाए। तेणु एठार देख, एहा होची भारत मानचित्र। एही भारत आमर पृथ्वीर उत्तर गोलार्धरे अवस्थित। एहा एशिया महादेशर पुणी उपकूल प्राय मध्य भागरे अवस्थित। एहा एशिया महादेश अटे। एही एशिया महादेशर दक्षिण उपकूल प्राय मध्य भागरे अवस्थित। भारतर दक्षिण भाग को तीन दिगरु समुद्र घेरी रही, तेणु यह एक उपद्वीप बोली कहा जाए। भारतर देख, पूर्व दिगरे बंगोपसागर, पश्चिम दिगरे आरब सागर और दक्षिण रे भारत महासागर घेरी रही, तेणु भारतर दक्षिण भाग को एक उपद्वीप बोली कहा जाए। आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ठारु भारतर दूरता प्राय समान। प्राचीन सभ्यतार विकास घटिथिबा देशगुड़िक भारतर सीमा को लागी एवं भारत ठारु अनति दूर रे रहिछंती। एही सबु देश मध्यरे भारतर उत्तर पूर्व सीमा रे चीन, पश्चिम रे ईरान रहिथिबा बेले इराक, इस्राएल, मिसर, ग्रीस आदि देश आम देश ठारु अनति दूर रे अवस्थित। बर्तमान आमे जानिबा भारतर प्राकृतिक विभाग। प्राकृतिक गठनर विविधता अनुसार भारत को छटी अंचल विभक्त करा जाएछि। तो यही मानचित्र रे सेही छटी प्राकृतिक अंचल को रंग माध्यम रे दर्शा जाएछि। प्रथमे आमे देखिबा हिमालय पार्वत्य अंचल। यही मानचित्र रे जे अंश रे माटिया रंग दिया जाएछि, सेही माटिया रंगर दिया जायथिबा अंश को हिमालय पार्वत्य अंचल बोली कुहा जाए। द्वितीयटी हेउछि उत्तरस्थ समतल अंचल। एही मानचित्र रे जेउ अंश रे सबुज रंग दिया जायछि, सेही अंचल को उत्तरस्थ समतल अंचल कहा जाए। तृतीयटी हेउछि केन्द्रस्थ मालभूमि अंचल। ए मानचित्र रे हालुका हलदिया रंग बा क्रीम कलर दिया जायथिबा अंशटी केन्द्रस्थ मालभूमि अंचल अटे। चतुर्थटी हेउछि पश्चिमस्थ मरुभूमि। मानचित्र रे हलदिया रंग अंशटी पश्चिमस्थ मरुभूमि अटे। पंचमटी हेउछि उपकूलस्थ समतल अंचल। उपकूलवर्ती अंचल रे जो सबुज रंग दिया जायछि ताहाकु उपकूलस्थ समतल अंचल कहा जाए। षष्ठटी हेउछि समुद्र मध्यस्थ द्वीप समूह। यार पूर्वरे बंगोपसागर रे आंडामान निकोबर द्वीपपुंज अवस्थित ओ पश्चिम पटे आरब सागर रे लाक्षाद्वीप अवस्थित। एहिपरि भावरे भारत को छटी प्राकृतिक विभाग रे विभक्त करा जाइछि।